खबर मिर्जापुर से। आज भी अपने बड़ी संख्या में कछुए किए बरामद। कानपुर से आसनसोल लेकर जा रहे थे कछुए। जोधपुर हावड़ा ट्रेन से ले जा रहे थे कछुए तस्कर। कछुए के साथ भाई बहन दो तस्कर रेलवे स्टेशन पर हुए गिरफ्तार। सभी कछुओं को वन विभाग को किया गया सुपुर्द। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म दो का है मामला। ट्रेन में निरीक्षण के दौरान प्रधान आरक्षक प्रेम शंकर पांडे को सूचना मिली कि जनरल कोच में बैग एवं थैले में कछुए लिए जाया जा रहा है। सूचना पर सहायक उप निरीक्षक अशोक कुमार दलबल और जीआरपी के उप निरीक्षक जगदीश प्रसाद यादव ने टीम के साथ 12 झोलों में कछुए को ले जा रहे एक महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में अपना नाम राकेश, थाना हनुमानगंज, जिला सुल्तानपुर बताया। महिला का नाम लच्छो बताया। इसके पास कोई यात्री टिकट भी नहीं था। दोनों को आरएएफ पोस्ट पर लाकर कछुआ की गणना कराई गई, जिसकी कुल संख्या 236 मिली। इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। विभाग के क्षेत्र वन अधिकारी सत प्रकाश वर्मा ने बताया कि 236 कछुए बरामद किए गए हैं। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्रीय वन अधिकारी मिर्जापुर रेंज जी। कितने पकड़े गए? जैसे कि हम लोग को सूचना कल मिला था शाम को ही वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के थ्रू कि हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस से 236 कछुए जो तस्कर लेकर जा रहे हैं। तो पूर्व सूचना के अनुसार हम लोग रेलवे स्टेशन पर पहुँचे मिर्जापुर। वहाँ पर हमें जीआरपी का सहयोग मिला। जीआरपी के साथ मिलकर हम लोगों ने कछुआ रेस्क्यू किया। उसके बाद उन्होंने कछुआ हमें हैंड ओवर कर दिया। जो ये जो हम लोग कछुआ पकड़े, इसमें दो प्रजाति कछुए हैं। एक है इंडियन क्लैब शेल टर्टल और एक है इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल, जो कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के शेड्यूल वन में आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। और जिस प्रकार से जीआरपी का सहयोग मिला हमें और हम उनके साथ मिलकर समय समय पर अभियान चलाते रहते हैं, और जिससे जो हमारे वन्य जीव हैं उसकी सुरक्षा होती है। टोटल कितने कछुआ है? टोटल 236 है। कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? ये जो रहने वाले जो हमने जो जो दोषी पकड़ा है वो दोनों सुल्तानपुर के हैं, ठीक है। और ये प्रयागराज से जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस में बैठे हैं और ये आसनसोल ले जा रहे हैं। क्या करते हैं इसको? ये ले जाकर वहाँ, अभी जैसा इन्होंने जानकारी दिया, हमने पूछताछ किया, ये बस ले इनका काम है ले जाना, यहाँ से ले जाकर वहाँ पर जो तस्कर हैं उनको बेच देते हैं, बेच के फिर चले जाते हैं। कितने दिनों से नुकसान है? ये इनसे पहले 2020 में भी इनसे संबंधित ही किसी को पकड़ा गया था और उसके बाद अब पकड़ा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।